What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 25 जून 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:32 हो रहे हैं। थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी का दिन है स्टॉक्स का भी और इंडेक्सेस का भी, तो काफ़ी यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। कल हमने देखा ज़बरदस्त वोलेटाइल मूव था निफ्टी इंडेक्स में, तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 24 जून आफ्टर मार्केट आरएस ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,485 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,419। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के भी ऊपर, ये सेकेंड टारगेट के ऊपर ये ओपन हुआ और ऊपरी स्तरों पे ये संभल नहीं पाया और टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ ये मूव हुआ। और जैसे इसने मूविंग एवरेजेस, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का इसने सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हुआ, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 10,503 और सेकेंड टारगेट 10,518 ये अचीव हुआ। और एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस करके एक ज़बरदस्त फॉल यहाँ से दिखाया। एक्सपायरी आने वाली थी तो काफ़ी लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी पोजीशंस, तो यहाँ से एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। ब्रेकडाउन लेवल फिर ब्रेक हुआ और फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 10,393 ये अचीव हुआ। एक बार फिर से इसने इसी ब्रेकडाउन लेवल के पास रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया ऊपर जाते वक्त, और फिर से यहाँ से जैसे ये और भी टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ, सेकेंड टारगेट 10,366 ये भी अचीव हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल कल भी साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देखना ज़रूरी होता है सुबह। यूएस मार्केट देखे तो कल ज़बरदस्त वहाँ पर गिरावट देखने को मिली, करीब नासडैक 200 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर ओवरऑल कोरोना वायरस का ये जो केसेस है ये पूरी दुनिया भर में लगातार अभी बढ़ रहा है, तो इसका जो स्पीड है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी वैक्सीन बाजार में अवेलेबल नहीं है, तो जो सेकेंड वेव आने का डर है और इससे लॉकडाउन फिर से एक बार होगा या नहीं, इससे ज़्यादा थोड़े से परेशान है इन्वेस्टर्स। अगर इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया, तो अगर केसेस ऐसे ही यहाँ से बढ़ते रहे तो सरकार को फिर से एक बार लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी तो। तो यहाँ पर थोड़ा सा फियर का माहौल इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार भी देखे तो एसजीएक्स निफ्टी 131 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, निक्केई भी 300 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ जोन्स देखे अभी फ्यूचर तो 141 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत इस समय मिल रहे हैं। चलते निफ्टी की चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। जैसे कि हमने वीकली चार्ट में जो लास्ट स्विंग लो हाई है उसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ किया है, इसका 61.8% के लेवल के पास इसने लास्ट 2 वीक्स एक रेजिस्टेंस फेस किया था। और इस वीक इसने ये ब्रेक करने के बाद जब ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था तो 76.4% का जो लेवल है, ये ऑलमोस्ट ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है वीकली चार्ट में इसी के पास आ रहा है। तो 10,600 के अराउंड एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा था और नीचे अभी 10,250 एज पर ये जो लेवल्स है इसके अकॉर्डिंग ये सपोर्ट बन रहा है। अगर ये टूट जाता है तो नीचे 20 EMA में ये 10,050 के आसपास आ रहा है, यानी ये जो 10,000 का लेवल है ये अभी मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। ये अगर फिर से एक बार ब्रेक हो जाता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो निफ्टी इंडेक्स में फिर से एक बार हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो अपसाइड मूव आया है इसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी होता है, तो निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक भी होने की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर ये वीकली चार्ट का इस समय का सिनेरियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट का ये लास्ट स्विंग लो हाई पकड़ के इसमें भी हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो कल का एग्जैक्ट लो 10,305 था जो कि 50% का ये लेवल है। तो यहाँ पर कल का अगर ये कैंडल देखे, बियरिश कैंडल, तो इसने पूरा कवर कर लिया है प्रीवियस डे के बुलिश कैंडल को, यानी यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। ये सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन कब बनेगा? जब यहाँ पर ऐसे और एक बियरिश कैंडलस्टिक बनेगा,
ठीक है, तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है, तो यहाँ से और भी निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ आ सकता है। अभी वीकली चार्ट में देखा 20 EMA में 10,000 के आसपास आ रहा था, इसमें 100 EMA में देखे तो 10,050 के पास आ रहा है, तो यहाँ पर 10,050 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, जो वीकली चार्ट और डेली चार्ट में हमें ये मूविंग एवरेजेस बता रहे हैं। तो अगर यहाँ से और भी कमजोरी दिखाई देती है तो 10,000 का लेवल यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल होगा इस सपोर्ट के लिए। तो ये डेली चार्ट का और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट की चार्ट में वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये आर्ली चार्ट है, यानी 60 मिनट का चार्ट। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो कल यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ था, और जैसे ही इसने इस नेक लाइन को ब्रेक कर दिया टूवर्ड साउथ की तरफ तो ज़बरदस्त यहाँ से फॉल देखने को मिला। तो इस तरह से ट्रेडिंग करते वक्त, इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त, हर एक इंट्राडे टाइम फ्रेम के चार्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, एनालिसिस करना होता है, तो क्या पैटर्न्स बन रहे हैं इसके हिसाब से हम यहाँ पर लाइव मार्केट में ट्रेड ले तो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है, ब्रेकडाउन लेवल, अगर जैसे ग्लोबल बाजार देख रहे हैं काफ़ी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिले, फिर मार्केट रिकवर हो, क्योंकि एक्सपायरी है काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। फ्रेशर्स आज के दिन थोड़ा अवॉइड करें ट्रेडिंग करना, देखें मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर निफ्टी इंडेक्स 10,207 यानी ये जो पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, ये 50 EMA के नीचे आ रहा है तो फर्स्ट हर्डल ये सपोर्ट है नीचे की तरफ, ये अगर ब्रेक होता है तो S1 का लेवल है, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए तो इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,174, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,132, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, और टूवर्ड्स अगर नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो फिर से एक बार इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इन तीनों के ऊपर इसे ट्रेंड करने दीजिए, ट्रेड करने दीजिए, यानी पिवट पॉइंट का लेवल 10,380 के ऊपर अगर यह सस्टेन करता है तो इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,403, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,430, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।